ये बात है अर्ली 90s की, जब कोक इंडिया में एंटर हुआ और कोक ने बहुत कोशिश की कि वो कैसे भी करके बस इंडिया में ग्रो हो जाए। लेकिन उस टाइम पर हम लोग पी रहे थे अपना खुद का ब्रांड थम्स अप। अब कोक ने लगाया दिमाग, यार ऐसे तो बात बनेगी नहीं, कुछ अलग करना ही पड़ेगा। और उसने दो चीजें की। पहली, जितनी भी दुकानों में थम्स अप रखी होती थी उन्हें वो खुद खरीद लेता और बाद में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता। और दूसरी, थम्स अप के फ्रेंचाइजी ओनर्स के पास हर स्टेट में बॉटलिंग प्लांट्स थे, तो वहां थम्स अप अपना पाउडर भेजता था और वो लोग उसे पानी में मिलाकर बोतलों में डालते और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने अपने स्टेट में भेज देते। लेकिन कोक ने क्या किया कि चुपके से थम्स अप के बॉटलिंग प्लांट से डील कर ली कि अब से हम आपको उतने ही पैसे देते रहेंगे जितने थम्स अप आपको थम्स अप बनाने के पैसे देता है। बस आपको करना क्या है कि आपको अपने ये प्लांट्स बंद करने होंगे और थम्स अप का कोई भी काम नहीं करना होगा। जिससे हुआ ये कि धीरे धीरे थम्स अप लोगों तक पहुंचना ही बंद हो गई और मजबूरी में थम्स अप जो कि एक इंडियन कंपनी थी उसे कोका कोला को बेचना पड़ा और आज हम कोका कोला वाली थम्स अप पीते हैं।